आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। साइकिल पर मुकद्दस हज के सफर पर निकले हसन रजा तेली का बीजापुर में सामाजिक कार्यकर्ता शकील सुतार और ग्रुप की ओर से गुलपोशी कर दी गई मुबारकबाद। बागलकोट जिला कलादगी ग्राम से 22 साला हसन रजा तेली नामी नौजवान आने वाले 2024 के हज के लिए साइकिल पर मुकद्दस हज के सफर पर निकले हसन रजा आज 27 अगस्त बरोज इतवार बीजापुर पहुँचे हैं, जो अपने आगे के सफर के लिए बीजापुर शहर के हजरत अराकार दरगाह के पीछे मौजूद मोहम्मदिया मस्जिद से कल यानी 28 अगस्त बरोज पीर सुबह फजर की नमाज के बाद रवाना होंगे। इनके बीजापुर पहुंचने की खबर सुनते ही सामाजिक कार्यकर्ता शकील सुतार अपने ग्रुप के साथ यहां पर पहुंचकर साइकिल पर हज के मुकद्दस सफर पर निकले हसन रजा तेली की गुलपोशी कर उन्हें इस मुकद्दस सफर की मुबारकबाद पेश करते हुए उनके सफर में आसानियत की दुआ की। इस मौके पर हमसे ख़ास बात करते हुए साइकिल पर मुकद्दस हज के सफर पर निकले बागलकोट ज़िला कलादगी ग्राम के हसन रजा तेली ने अपने इस सफ़र की मुकम्मल जानकारी देते हुए तमाम लोगों से उनके सफ़र में आसानी के लिए दुआ करने की गुजारिश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम क्या है? हसन रजा मोहम्मद इस्माइल तेली। मैं क्या है कलादगी क्या है ग्राम से क्या है बागलकोट शहर से मेरा सफ़र क्या है हज के लिए 2024 के लिए मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह क्या है कलादगी से क्या है इंशाल्लाह आज तो क्या है बीजापुर में क़याम होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह कल क्या है शोलापुर में क़याम होगा। इसी तरह क्या है इंशाल्लाह म्यांमार बॉर्डर से क्या है मेरा दूसरे मुल्क में क्या है एंट्री होगी। म्यांमार से होते हुए थाईलैंड, लाओस, चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी। इंशाल्लाह ये सफ़र से क्या है ये देशों से मेरा सफ़र इंशाल्लाह होगा। आप सभी लोग क्या है दुआ कीजिए। अस्सलाम। आज के इस मॉडर्न दौर में जहाँ पर प्लेन से आप आसानी से जा सकते हैं, साइकिल पर ही जाना ऐसा क्यों सोचा आपने? वो क्या है कुछ करने का था और एडवेंचर का भी ये था इसलिए। रोज़ाना कितने किलोमीटर का सफ़र? रोज़ाना तकरीबन 100 किलोमीटर। कितने महीनों तक आपको सऊदी में कितने महीनों वक्त? तकरीबन 8.5 महीने। जब आपने ये सोचा कि साइकिल पर जाएंगे तो आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? वो सबसे पहले बोले कि नहीं कैसा जा सकते किस तरह जा सकते, तो समझाने के बावजूद क्या है वो बोलने लगे कि बाद में बहुत मुश्किल से क्या है माने आखिर में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है कि आपने सभी दस्तावेज़ पूरे कर लिए हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सभी क्या है दस्तावेज़ पूरे। कितने दिनों में आप वहाँ पर जाकर पहुँचेंगे? इंशाल्लाह 8.5 महीने। अब वहाँ पर जाकर क्या दुआ करेंगे? इंशाल्लाह क्या है सबसे पहले मुल्क क्या है बारे में क्या है दुआ करेंगे, और बाद में क्या है सबसे पहले क्या है हमारा पूरे आलम में क्या है इंडिया का क्या है सबसे पहला नाम, इसलिए क्या है अमन शांति कायम रहे, ये क्या है दुआ में। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।